कार चले मेरी फास्ट चलती ना स्लो मेरे यार सारे गाड़ी पर ओजी शब्द रो ओजी शब्द को स्मूदी सब को गाड़ी चले मेरी चलो बंदो आई बी फक राइडर जिन मंजिल व्यू प्रोवाइडर को ब्लॉक करे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइब गाड़ी चले मेरी फ्लो में स्लो सी नाम मुसाफिर का जोशी ये इक्के की ट्रेल मैंने शो की। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो जिस दिन आप लोगों ने हमारी पुरानी वाली वीडियो देखी थी उसी दिन हम इस कंटेंट को भी शूट कर रहे हैं। अब एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ को टेस्टिंग में रखा हुआ था एंड अब हम लोगों को लॉकडाउन के बाद मौका मिला कि हम लोग आप लोगों तक इस चीज़ के बारे में जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। अब आप लोगों ने जितना भी अभी तक का सुना है कार्बन फाइबर के बारे में कि कार्बन फाइबर होता क्या है, कार्बन फाइबर कैसे होता है, ज़्यादातर आप लोगों को लोग जो दिखते हैं वो कार्बन फाइबर में अपनी गाड़ी को रैप कराते हुए देखने को मिलेंगे या फिर आप लोगों के जितने भी इंटीरियर के आप जो भी ट्रिम्स होते हैं उनमें जो है लोग ये करवाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑफकोर्स ही बात है जो कि हम लोग हर बारी ट्राई करते हैं। तो हम डिटेलिंग बुल में है द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल में। वेद भैया हमारे साथ है। वेद भैया ये थोड़ा पकड़ो और जरा ऑडियंस को बताओ आज क्या वीडियो में होने वाला है। सो हम अगर ब्रीफ से सारी बातें करें, कार्बन फाइबर था क्या, है क्या और हम क्या कर रहे हैं और क्या मॉडिफिकेशन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। कार्बन फाइबर की हम बात करें तो एक फाइबर मटेरियल होता था पहले, जब लोग और आज भी इनफैक्ट जब अगर आप मॉडिफिकेशन में जाएंगे, कार रेसिंग में जाएंगे तो अपनी गाड़ियों के वेट कम करने के लिए वो फाइबर के बोनट्स और पार्ट्स लगाते थे। करेक्ट। मेजर पार्ट्स को चेंज नहीं कर सकते तो क्या करते थे, बोनट लगा लिया, साइड व्यू मिरर्स लगा लिया और मेजर पार्ट्स को कम करते जिससे गाड़ी का वेट कम हो, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है। करेक्ट। चूँकि अगर हम वो सारे काम के लिए जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, कार फॉर्म इज अ एक्सपेंसिव थिंग, सेफ्टी इशूज़ भी आते हैं, बट क्योंकि वो रेसिंग में यूज़ करते थे तो इसलिए वो मॉडिफिकेशन करते थे। करेक्ट। एक उसका बेटर वर्जन जो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडिफिकेशन भी हो जाए और हमें ओरिजिनलिटी भी गाड़ी की ख़राब नहीं करनी, अच्छा भी लगे और अच्छा भी लगे देखने, एग्जैक्टली सिमिलर लगे देखने में, तो हमने वो चीज़ एक रैप के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। बहुत सारे लोग इसे मेजरली यूएस में बहुत पॉपुलर ट्रेंड है, आज भी लोग अपने बोनट, साइड व्यू मिरर्स ये सब कराते हैं और इन्जॉय करते हैं गाड़ी चलाते हुए एक रेसिंग लुक देने के लिए। आज हमने भी वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। हम अगेन आज एक जीप कंपस पे उसके बोनट के ऊपर एक कार्बन फाइबर रैप बिछाने वाले हैं जो कि एग्जैक्टली उसे कार्बन फाइबर लुक देगी। बट लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज नॉट द ओरिजिनल कार्बन फाइबर, दिस इज अ मॉड मॉडिफिकेशन। तो ये जो आप लोगों ने अभी तक का एवरी डेनिसन इतना बड़ा नाम सुना हुआ है कि एवरी डेनिसन एक इतना बड़ा ब्रांड है जो आप लोगों को रैपिंग में पूरा का पूरा असिस्ट करता है, तो भाई वही ये चीज़ है। क्या प्रोडक्ट है, कैसा देखने को मिलता है, वीडियो में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गाड़ी उन्हीं भाई की है जिन्होंने भैया से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, अगेन उनका भी एक ओवरलुक लेंगे। ये प्रोडक्ट जस्ट अभी अराइव हुआ था एंड उन्होंने इसको देखा एंड उन्होंने एकदम से मन बनाया कि हाँ मेरे को ये करवाना है। मोस्ट प्रोबेबली बोनट में करा रहे, क्या पता आने वाले टाइम पे छत पे भी करवाए, हो सकता है कहीं और पार्ट में भी कराए। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन अगर आप लोगों को ओरिजिनल एवरी डेनिसन का पता लगाने का तरीका चाहिए तो उसका बहुत ईजी एक तरीका होता है, अगर आप लोग अपना रैप को अंदर से खोल के देखोगे तो इसमें आप लोगों को ब्रांडिंग देखने को मिलेगी जो कि एवरी डेनिसन की होती है। जितने भी लोग अच्छे इंस्टॉलर्स है जो कि रैप के अंदर काफ़ी चीज़ें करते हैं, अगेन हम लोगों ने भी हमारी एक गाड़ी तैयार करी थी जिसमें हमने रेड क्रोम वाला लुक दिया था, आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उस लोगों को। और अगर इसके लुक के बारे में बात करोगे, अगेन थोड़ा सा अगर पास से दिखाना चाहेंगे तो एक बार इसको देख लीजिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं इसको अपने पेंट ट्रीटमेंट में भी लेके आते हैं, तो कार्बन फाइबर जो है आपकी पेंट ट्रीटमेंट में भी आती है और क्या पेंट्स में भी बहुत यूज, हाँ डिप पेंट्स के अंदर भी जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट है। अगेन जो बोनट है सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, आप लोगों की नई वाली जीप कॉम्पस जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ब्लैक कलर की ये गाड़ी है और इसमें ऑलरेडी जो है आप लोगों का पीपीएफ वाला ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। अगेन एक चीज़ जो भैया से पूछेंगे, भैया पीपीएफ के ऊपर अगर हम लोग इस चीज़ के लिए जाते हैं तो क्या इट वुड बी अ सक्सेस, कैसा क्या रहेगा, पहले ये बताइए आप। सी जा सकते हैं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पीपीएफ की एनी डे जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाउएवर जब रैप यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है। सो हम अगर इसके ऊपर अप्लाई भी कर रहे हैं बिकॉज जस्ट फॉर अ मॉडिफिकेशन, लुक चेंज करने के लिए, तो वो हैम्पर पीपीएफ कहीं भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये देखो, अभी हम आप लोगों को ये दिखा जरूर रहे हैं लेकिन एक चीज़ हम लोग और इसमें प्लस में आपको करके बताता हूँ, अगर आप में से कोई भी अपनी गाड़ी को ड्यूल लुक देना चाहता है जिसमें आप लोगों की छत रैप होती है, आप लोगों का साइड वाला पिलर इसमें आप लोगों का जो है आप लोग रैप करा सकते हो, या आप लोगों का जो फाइनल वाला पिलर होता है अगर उसको भी आप कराना चाहो तो ये चीज़ें भी आप करा सकते हो। लेकिन जैसा पहले बोला कि एक
विनाइल और एक रैप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। विनाइल विद इन आप लोगों का 6 से 8 महीने में आपकी गाड़ी के जो मेन पेंट होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टेन छोड़ जाता है, जिसको हम लोग गम बोलते हैं। तो वो गम जब आपकी गाड़ी के पेंट में चिपकेगा तो वो आपके मेजर जो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो आपके ओरिजिनल पेंट को करता है। तो गोइंग फॉर द रैप इज़ द बेस्ट चॉइस। अगर आप लोगों को कोई कहता है कि भैया विनाइल लगवा लो, साइड मिरर में विनाइल लगा लो, विनाइल सस्ता ज़रूर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को बाद में तंग करने वाला। आफ्टर इफेक्ट इज़ नॉट गुड, इसलिए ऑलवेज गो फॉर विनाइल। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा आपको, बट आपका पीस ऑफ माइंड विल बी ओके। मैंने इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल अपनी गाड़ी के साथ ही दिया था, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग ट्राई करते रहते हैं। मैंने अपना रूफ जब रैप किया था तो रूफ को रैप करने के बाद जब हमने उसको हटाया था, हमने एक चीज़ उसमें देखा था कि उसमें एक पैटर्न बन गया था। जब आप उसको ज़ोर से खींच रहे थे तो वो हल्की हल्की स्टिक कर करके चीज़ें छूट रही थी, जो कि एक अच्छे रैप की निशानी होती है। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन अगेन PPF और अगर आप लोग रैप को कंपेयर करते हो तो दोनों चीज़ें आप लोगों को देखने में अच्छी लगती है, और PPF की स्ट्रेंथ एनी डे जो है आप लोगों की रैप से ज़्यादा अच्छी होती है। तो PPF के ऊपर रैप लगा रहे, क्या रहने वाला है पहले ये बताओ। बहुत अच्छा लुक आने वाला है। ठीक है, और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, क्योंकि एक बहुत सेटल्ड डबल प्रोटेक्शन हो गई, डबल प्रोटेक्शन हो गई, स्टाइलिंग भी हो गई। ठीक है, और एक ऐसे यूनिक लुक निकल के आएगा जो मेरे को लगता है कि जीप में किसी ने किया होगा। करेक्ट। जब आप लोगों को याद होगा जब ट्रेल हॉक लॉन्च हुई थी तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जो कि हमने पुणे में शूट करी थी। उसमें ट्रेल हॉक में उन्होंने बेसिकली किया क्या था, यहाँ पर आप लोगों का एक पैच उन्होंने अवेलेबल कराया था। उस पैच का बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं पता, लेकिन वो बेसिकली इसीलिए होता है कि जब आप लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर अगर आप लोग ट्रेन में जा रहे हो जहाँ पर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में लगती है, सबसे पहला रीज़न वही था कि ये इसलिए लगाया गया था। दूसरा रीज़न सबसे मेजर ये था कि आप लोग जब भी ड्राइव कर रहे हो तो आप लोगों को बोनट का जो पता नहीं चलता कि बोनट का कौन सा कट जो है उससे देख के हम गाड़ी को ड्राइव करें, तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता था। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों का जो रोल होता है उससे आप लोगों का जितना बोनट है वो वाला पीस हमने कट कर लिया। यहाँ पर एक बार आप लोग देख लो, ठीक है, तो ये आप लोगों का वो पर्टिकुलर उतना ही काटा गया जितना जो है नेसेसरी आप लोगों का लग जाएगा और ज़्यादा वेस्टेज ना हो, उसमें सबसे बढ़िया चीज़ यही है। तो भैया PPF के ऊपर इसकी जो पकड़ है वो पूरी बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी? विनाइल के ऊपर रैप चिपक जाता है, PPF के ऊपर रैप चिपक जाता है, बॉडी के ऊपर रैप चिपक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। इस गाड़ी के ऊपर PPF हुई हुई है और PPF के ऊपर भी सेरेमिक हुई हुई है। तो सेरेमिक के ऊपर हम लोग जो है, ऑल्दो ये थोड़ा सही नहीं है हम बहुत, पर बिकॉज हम कस्टमर की डिमांड है, मॉडिफिकेशन है। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँगा तो मैं सिर्फ बोनट पे करूँगा। ठीक है, बट अगेन क्यों अगर PPF के ऊपर भी करना है इज नॉट, बट सेरेमिक के ऊपर करना थोड़ा सा गुड अच्छा नहीं होता, बट हम क्योंकि शॉर्टर पीरियड के लिए कर रहे हैं, एक लुक एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, जैसे इसलिए जा रहे हैं। चलो भाई, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है सोपी सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। एक बार आप लोग पास में आ सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप लोगों का पूरा एक हम लोग PPF जो है इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से जो है इसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस काम को करने के लिए भी आप लोगों को वैसे दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर रोल जो है बिछा दिया गया। ठीक है, सो मैं चाहूँगा कि वंश भाई एक बार वीडियो जो है थोड़ा सा ऊपर से ऑडियंस को लेके आए, तो इस कार्बन फाइबर की असली जो लुक है वो आप लोगों को दिन में देखने को मिलेगी। रात में जो है ये आप लोगों को मैट वाला लुक देगा, साथ साथ में इसमें अगर आप देखोगे तो आप लोगों को छोटे छोटे जो है ये पूरे फिनिशिंग इसमें देखने को मिलेगी। देखो भाई, आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे दो होनार जो यहाँ के काम करने वाले हमारे डिटेलिंग बुल की टीम से है, ठीक है, वो दोनों के दोनों वर्किंग जो है अभी यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी के साथ में सबसे पहले जो है आप लोगों का इसमें जो टूल यूज़ होने वाला है, या टूल्स क्या रहते हैं इसमें? अगेन PPF के सेम टूल्स यूज़ होते हैं, स्क्रूजी यूज़ होती है, कटर यूज़ होता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिक्सिंग टेप्स यूज़ होते हैं, बट हमें क्योंकि बोनट करना है वन पीस है तो फिक्सिंग टेप की ज़रूरत नहीं है। तो सेम PPF है। एक बार आप लोग सिनेमेटिक इन्जॉय करो, उसके बाद आपसे बात करते हैं। I can feel the power, I can feel the power, feel the power. Yeah, money that is time and hour, time and so, hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, fuck the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm not getting mad when I'm back with the blue, cause I am just up on the journey. Just know that I'm just going insane. हमारी जो जीप है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग एक ऑडी भी कर रहे हैं, और ऑडी में जो है हम लोग उसका भी बोनट जो है वो
मज़ेदार करने वाले। एक बार अब मैं चाहूँगा कि आप लोग पास आ जाओ। तो इस गाड़ी में भी जो है हमारी PPF ऑलरेडी डन है, लाल रंग है चमचमाता हुआ। इसमें काले रंग में जो आप लोगों का लुक है वो क्या निकल के आएगा देखते हैं। और कार्बन फाइबर का जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। दोनों गाड़ियों को साथ में लगाऊंगा, लास्ट में आप लोगों को फीडबैक दूंगा। फिलहाल के लिए जो इसके सिनेमैटिक्स है वो आप इन्जॉय करो। इस प्रोसेस को करने से पहले आप लोगों को जो है इसमें जो आप लोगों का सोपी सॉल्यूशन है उसको सही तरीके से लगाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, और उसके बाद ही जो है कार्बन फाइबर उसको पचड़ा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। सो हमारी जो जीप है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग एक ऑडी भी कर रहे हैं, और ऑडी में जो है हम लोग उसका भी बोनट जो है वो मज़ेदार करने वाले। एक बार अब मैं चाहूँगा कि आप लोग पास आ जाओ। तो इस गाड़ी में भी जो है हमारी PPF ऑलरेडी डन है, लाल रंग है चमचमाता हुआ। इसमें काले रंग में जो आप लोगों का लुक है वो क्या निकल के आएगा देखते हैं। और कार्बन फाइबर का जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है। दोनों गाड़ियों को साथ में लगाऊंगा, लास्ट में आप लोगों को फीडबैक दूंगा। फिलहाल के लिए जो इसके सिनेमैटिक्स है वो आप इन्जॉय करो। इस प्रोसेस को करने से पहले आप लोगों को जो है इसमें जो आप लोगों का सोपी सॉल्यूशन है उसको सही तरीके से लगाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, और उसके बाद ही जो है कार्बन फाइबर उसको पचड़ा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। Sit on my seat, and when I do, I could never get no sleep. 'Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you will go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him, dog, I'ma play the ball. 'Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma get it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, 'cause I'm going so insane. Hey, I really go by someone saying, yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it, now it's really all okay. So I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. Finally, जो है हमारा पूरा ये जो आप लोगों को न्यू लुक हम लोगों ने दिखाना था कार्बन फाइबर का, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सो कार्बन फाइबर जो है वो केवल आपके बोनट्स के लिए नहीं है, ये आप लोग अपने रूफ में चाहो रूफ में करा सकते हो। अगर पूरी गाड़ी रैप कराना चाहो वो भी आप लोग करा सकते हो। फुल रैप में क्या होता है कि फुल रैप में आपको गाड़ी का एक पूरा लुक जो है देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक आप कंपैरिजन के बारे में बात करोगे तो अभी के लिए तो जीप जो है वो थोड़ा सा लुक वाइज जो है वो आगे निकल गई है, क्योंकि काला रंग है साथ में बोनट में थोड़ा डिफरेंस जो है वो अच्छा जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हमारी ऑडी के बारे में आप लोग बात करोगे तो ऑडी नो डाउट फ्रंट से आप लोगों को जो है इसका लुक जो देखने को मिल रहा है, ये लुक जो है ये आप लोगों को याद दिलाएगा कि भैया इसका जो भैया ने बोनट है वो चेंज कराया हुआ है, क्योंकि भैया तेज भगाते होंगे। सो थोड़ा सा जो लुक है वो ज़बरदस्त लगता है, लेकिन साइड से थोड़ा सा भैया जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोफाइलिंग वाइज है, अगेन ये हमारी टेस्टिंग वाली चीज़ थी और कहीं ना कहीं हम लोगों को सक्सेस इसमें मिल गया। ठीक है, तो प्राइसिंग जो भी है जो भी जैसा सब कुछ रहेगा वो अगर आप लोग डिटेलिंग बुल में आ रहे हो तो आप लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ भैया, हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, एवरी डेनिसन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग विनाइल, जो कि आपकी गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और इसको यूज़ मत करना अगर आप विनाइल यूज़ करते हो। रैप के साथ में क्या, अगर PPF के ऊपर रैप करा रहे हो तो कोई कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, आप क्लीन बोनट पे करा सकते हो। आपकी गाड़ी पे अगर स्क्रैचेस आ गए और आपको बुरे लग रहे जो नहीं निकल पा रहे हैं तो आप करा सकते हो। आप अपनी गाड़ी से थोड़ा सा पुराने लोग हो, आप चाहते हो कि थोड़ा नया लुक आए, इट्स जस्ट अ सिंपल मॉड, थोड़ा स्पोर्ट लुक देता है। कार्बन फाइबर इज वेरी पॉपुलर। सो पॉपुलर होने के साथ साथ में ये प्रोडक्ट जो है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, साथ ही साथ में लुक भी देगा, और कहीं ना कहीं आप जब अपनी गाड़ी को लेके जाओगे तो लोग आपसे जरूर पूछने वाले हैं। तो आप लोगों ने जितना भी ये काम देखा ये हुआ है डिटेलिंग बुल के अंदर, और एंडिंग जो है मैं घर आके कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला पार्ट शूट किया था लेकिन वो जो पार्ट था वो मेरे को ज़्यादा खास लगा नहीं, मैंने सोचा घर आके जो है वीडियो को एंड किया जाए। सो आप लोगों ने जितना ये काम देखा ये हुआ है वेगस मॉल द्वारका सेक्टर 14 के मॉल में, और ये द्वारका में जो है भैया का स्टोर सिचुएटेड है। बहुत सारी जगह है जहाँ पर भैया ने जो है स्टोर अपने ओपन कर रखे। अगर आप लोगों को इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, भैया से आप लोग बात कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कि आप लोग काम करवाओ तो आप लोग द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल आ सकते हो। भैया के एक दो स्टोर जो दिल्ली के अंदर है वो भी ऑपरेशनल नहीं है, उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर जो है थोड़ा सा अभी जो रूल एंड रेगुलेशन है वहाँ पर थोड़े अलग चल रहे हैं। तो आप लोग अभी जो है बिल्कुल आ सकते हो वेगस मॉल के अंदर। और बाकी अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में मुसाफिर 7811, फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड